हेलो एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिर्च का अचार। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक बाउल कटी हुई हरी मिर्च है, मैंने इसको धो के अच्छे से काट के दो पीसेस कर लिए बीच में से, और चार चम्मच राई है पीसी हुई। आप साबुत राई को मिक्सी में चला के इस तरह से पीस के पाउडर बना लीजिए। आधी अम्बी है कच्ची, इसको काट के मैंने पतले पतले इस तरह से स्लाइसेस बनाए हैं। एक चुटकी हींग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच करौंजी जो अचार में डलती है, आधा चम्मच सौंफ और एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल। सबसे पहले मैंने गैस ऑन करती हूँ। इसमें सबसे पहले डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सौंफ, करौंजी, हींग। अब गैस को थोड़ा सिम कर देंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे अम्बी। अम्बी को ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस एक मिनट के लिए। बस आपको ज़्यादा नहीं पकानी है अम्बी, सिर्फ 2-5 सेकेंड के लिए ऐसे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी, नमक, इनको हिलाना है। इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, और इसमें डालेंगे राई का पाउडर। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस मसाले मिक्स करने और गैस बंद कर देनी है। हमारे मसाले अच्छे से मिक्स होके तैयार हो गए। इसको हम बाउल में डालेंगे। इसको 2 दिन आप बाहर ही रहने दीजिए, उसके बाद आप किसी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से इसका कलर चेंज नहीं होगा और खाने में बड़ी अच्छी रहेगी, और लास्ट बहुत टाइम तक ये ग्रीन रहती है। अगर आपको मेरी बनाई हुई मिर्च का अचार पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।